हेलो गाइस, मैं संगीता श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम लोग पके हुए चावल और चने की दाल से एग बनाना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चने की दाल रखी हुई है और ये पका हुआ चावल है, जो कि इससे एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो हम एग बनाएंगे, ये एग की रेसिपी है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और बिल्कुल एग जैसा ही स्वाद आता है। गाइस, हमें करना क्या है कि जो हम दलभरी बनाते हैं, यानी कि जो चने की दाल भर के जो हम पराठा या पूड़ी बनाते हैं अपने घरों में, सेम उसी प्रोसेस से चने की दाल को हमें रात में भिगो देना है। सुबह उसे हमें तड़का लगा के, यानी कि मिर्चा और जीरे से छौंक के पका लेना है दाल को। गाइस, उसके बाद में हम दाल को पीस लेंगे अच्छी तरह से, जो कि मैंने यहाँ पे पीस के रखा हुआ है पहले से। ठीक है, देखिए इस तरह से ये दाल पीस लिया है मैंने और ये चावल है। चावल को खूब अच्छी तरह से हाथों से मीस लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से मिसेंगे। उसके बाद में हम कुछ इस तरह से चावल के कुछ गोले बना लेंगे और उसके बाद में हम इसमें दाल भरेंगे और एग के आकार में देंगे। उसके बाद में उसको फ्राई करके फिर उसका टेस्ट लेंगे। तो गाइस, हम क्या करेंगे, हल्का सा हाथ में पानी लगाएंगे और अपने चावल को खूब अच्छी तरह से मीस लेंगे। और जब हम दाल पकाएंगे तो उसमें नमक डालना नहीं भूलना। दाल में हम नमक डाल के ही पकाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप सभी लोगों को आता है ये चीज़। फिर हम हाथ में पानी लगाएंगे थोड़ा सा और इस तरह से चावल को कुछ आटे की लोई, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे और इस तरह से करके, और फिर हम इसमें ही पिसा हुआ दाल ले लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे करके बंद करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। अब ये आकार देखिए, कुछ सर्कल में है, कुछ गोले जैसा है, हमको एग के आकार में करना है, जो कि दिखने में एग के जैसा लगे। और आपको हम बता रहे हैं कि खाने में भी एग के जैसा ही लगेगा, बिल्कुल स्वाद में एग जैसा लगता है। इस तरह से हम इसको बना लेंगे और इस तरह से बना बना के हम रख लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे एग्स मैंने इस तरह से बना के रख लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम अपनी कढ़ाई रख दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे एग को फ्राई करते हैं ना, बनाने से पहले जब एग करी बनाते हैं तो हम एग को फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमको फ्राई करना है। इसमें हम कुछ जीरा डालेंगे, एक चम्मच लगभग। ये छोटा चम्मच है, बड़े चम्मच के हिसाब से एक चम्मच हो गया लगभग। तेल अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे। हाँ, मेरा तेल पक चुका है, इसमें जीरा डाल दिए। अब इसमें एक एक करके अपना एग डाल देंगे और एग को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरह से डालेंगे इनको, ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे।
ऐसे अच्छी तरह से हमारे ये फ्राई हो जाएं। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम कुछ फ्राई करेंगे अपने एग्स को। बाकी की जो दो बस्ते हैं वो भी हम डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं हमारे पास, बस खाली दो बच रहे थे, मैंने डाल दिया। अब इनको अच्छी तरह से हल्की आंच में पकाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसका फ्लेम कुछ मीडियम करेंगे। देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे चला चला के धीरे धीरे से, ताकि हमारे एग्स अच्छे से कुरकुरे बन जाएं। और फिर हम इनको चाय के साथ खाएंगे। आप भी इंजॉय कर सकते हैं इस तरह से मेरी रेसिपी से बना के। हाँ तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एग्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको अपनी कढ़ाई बंद कर सकते हैं और इनको एक प्लेट में निकाल के इसके मज़े ले सकते हैं। ओके गाइज, तो इसको हम बंद करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, अभी एग मेरे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल एग जैसे हैं, और ये खाने में भी बिल्कुल स्वाद में भी एग जैसे ही लगेंगे गाइस। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो मेरे द्वारा बताए गए रेसिपी के हिसाब से आप लोग भी बना सकते हैं और चाय और चटनी के साथ इसके मज़े ले सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू। Thank you guys watching this video. Bye bye.